फैज अमीर की बतौर डीजीसीबी जो थी जब से ये एम्पायर की उंगली का इन्हें शौक था और उस पर ये खड़े रहे, और बतौर डीजीसीबी और डीजीआईएसआईबी जो किरदार रहा है पीटीआई को बनाने में, पीटीआई के उभारने में, पीटीआई के गॉडफादर की हैसियत से वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो पीटीआई का गॉडफादर है वो पकड़ा गया है, तो अब ये नेक्सेस खुलेंगे। ये नेक्सेस तो आपको अभी बहुत से, और इस पे मैं एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमें एतमाद भी है कि फौज इस गन को साफ भी करेगी, एक एहतसाबी निज़ाम शुरू भी होगा, लेकिन इसे ओपन अच्छा भी सर, करना एक और चाहिए, चीज, लोगों तक चूंकि लेके भी आना चाहिए। चूंकि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये फैज हमीद की जब से खबर आई है कि वो अरेस्ट हो गए हैं और कोर्ट मार्शल का प्रोसेस जारी है, तहरीके इंसाफ से इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं, केपीके से भी, पंजाब से भी, तो ये लगता है कि तहरीके इंसाफ का कॉन्फिडेंस भी शायद लूज हो गया है इस गिरफ्तारी और इस अनेक्सिस के ओपन होने के बाद। जी मैं यही आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई के साथ जितने लोग हैं, पहली बात कि जो सियासत कर रहे हैं ज्यादातर को लाने में जनरल फैज का हाथ था बतौर आईएसएच, इन्हें पार्टी ज्वाइन करवाने में, इन्हें रखने में। अच्छा, बाद में ये जो रुपोश हुए हैं और छुपे रहे हैं और इन्हें सेफ हाउसेज मुयसर थे जहाँ पे वो रहे हैं, उसमें भी जनरल फैज का हाथ था। अब वो लोग एकदम से इस्तीफे देना शुरू हो गए हैं कि उन्हें पता लग गया है कि सर से साया उठ गया है गॉडफादर का। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये इतना क्लोज, अभी तो आपको घर के वो जो पर्दे के पीछे क्या है उधर से भी बड़ी तस्वीरें आएंगी, बड़ी चीजें निकलेंगी। अभी तो ये मोबाइल की को जो गुफ्तगू है, जो इसे राव आईके को फसल भी साहब जो की, करते रहे हैं रऊफ हसन, फिर वो जो ये शादी कैसे हुई, ये मामला कैसे हुआ, कंट्रोल कैसे किया जाता रहा, ये पीरी मुर्शिदी, ये पीरी मुरीदी, ये बड़े राज खुलेंगे। फिर पता चलेगा कि पीरनी का पीर कौन था जो उसे सारी बातें बताता था। तो भी आप देखिए तो अच्छा सही कि इसमें निकलेगा लगता क्या यह है क्या, बरिस्टर ये साहब, तो मैं बरिस्टर बात साहब कर रहा लगता यह है हूं। कि आपको पीरनी के पीर का पता है, हमें बता दीजिए ताकि मैं फिर प्रोग्राम क्लोज करूं। ये पीरनी का पीर वही है जो अब जेरे अताब है। ये सारा फैज फैज हमीद के आस्ताने से जारी था, जिसका नकाब अच्छा के पीछे छुपी हुई पीरनी फायदा ले रही थी, और उन्होंने एक बच्चा जुमुरा कंट्रोल किया हुआ था जिसने हमारे पाकिस्तान की सियासत को आलूदा किया हुआ था। अब ये सारा नेक्सस खुलने का टाइम है, खुल रहा है, खुल चुका है, और अब आप सिर्फ फसल कटने का इंतजार करें।